हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं योगेश कुमार। स्वागत है आपका बुंदेलखंड एम एजुकेशन में। स्वागत है आपका एक बार फिर से हिस्ट्री संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन में, और ये इस सीरीज का पार्ट 27 है। तो आज फिर से हम बात करेंगे 30 क्वेश्चनों की जो हिस्ट्री संबंधित होंगे, और आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपका अध्ययन अच्छे से चल रहा होगा और हम आपकी सहायता कर पा रहे होंगे आपके अध्ययन में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वाकाटक वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए नंदीवर्धन, बी नागावर्धन, सी नागवर्धन या डी ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन, नागावर्धन और नागवर्धन गांव में थी, जो आधुनिक महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर दो है, अजंता की कौन सी गुफा संख्या वाकाटक वंश से संबंधित है? ऑप्शन है ए 9वां 10, बी 8वां 9, सी 9वां 11, डी 10वां 11। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 वाकाटक वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर तीन है, वाकाटक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन है ए सूर्यसेन, बी प्रभासेन प्रथम, सी सर्वसेन या डी विंध्य शक्ति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाकाटक वंश सबसे शक्तिशाली शासक प्रभासेन प्रथम था। क्वेश्चन नंबर चार है, प्रभासेन ने कितने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? ऑप्शन है ए 7, बी 3, सी 4 या डी 5। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाकाटक वंश के शासक प्रभासेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। क्वेश्चन नंबर पांच है, वाकाटक वंश किससे संबंधित था? ऑप्शन है ए क्षत्रिय से, बी वैश्य से, सी शूद्र से या डी ब्राह्मण से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाकाटक वंश का संबंध ब्राह्मणों से था। क्वेश्चन नंबर छह है, सबसे ज्यादा भूमि ब्राह्मणों को दान में किस वंश के शासकों ने दी थी? ऑप्शन है ए वाकाटक वंश, बी गुप्त वंश, सी चालुक्य वंश, डी मौर्य वंश। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाकाटक वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा भूमि दान में दी थी। क्वेश्चन नंबर सात है, वाकाटक वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन है ए बौद्ध, बी शैव, सी वैष्णव, डी जैन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाकाटक वंश के शासक सांस्कृतिक रूप से शैव धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर आठ है, रुद्रसेन द्वितीय के बाद वाकाटक वंश की बागडोर किसने संभाली थी? ऑप्शन है ए पद्मावती ने, बी तारावती ने, सी प्रभावती ने या डी लीलावती ने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रसेन द्वितीय के बाद रानी प्रभावती गुप्त ने वाकाटक वंश की बागडोर संभाली थी। क्वेश्चन नंबर नौ है, विंध्य शक्ति का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है ए देवरुद्ध, बी अनुरुद्ध, सी प्रतापरुद्ध या डी विरुद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाकाटक वंश के शासक विंध्य शक्ति का वास्तविक नाम विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अजंता के लेखों में विंध्य शक्ति का क्या नाम मिलता है? ऑप्शन है ए वंश केतु, बी अजातशत्रु, सी इंद्र या डी विष्णु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजंता के लेखों में विंध्य शक्ति का नाम वंश केतु मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए रुद्रसेन, बी प्रवरसेन, सी सूर्यसेन या डी सर्वसेन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक प्रवरसेन था। क्वेश्चन नंबर 12 है, रुद्रसेन प्रथम के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है ए सिमुक, बी सातकर्णी, सी गौतमीपुत्र या डी हर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रसेन प्रथम के पिता का नाम गौतमीपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वीसेन प्रथम को किसके समान बताया गया है? ऑप्शन है ए अर्जुन, बी भीम, सी नकुल, डी युधिष्ठिर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाकाटक वंश के शासक पृथ्वीसेन प्रथम को महाभारत के युधिष्ठिर के समान बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रुद्रसेन प्रथम किस शासक के समकालीन थे?
ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त या डी स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन प्रथम गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रभासेन द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है ए विरुद्ध, बी अनिरुद्ध, सी प्रताप रुद्ध या डी दामोदर सेन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय का वास्तविक नाम दामोदर सेन था। क्वेश्चन नंबर 16 है, नरेंद्र सेन किसके पुत्र थे? ऑप्शन है ए प्रवरसेन द्वितीय, बी सर्वसेन, सी सूर्यसेन या डी विंध्य शक्ति। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सेन वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, नरेंद्र सेन का विवाह किस वंश की राजकुमारी से हुआ था? ऑप्शन है ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी चालुक्य वंश, डी कदंब वंश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाकाटक वंश के शासक नरेंद्र सेन का विवाह कदंब वंश की राजकुमारी अजित भट्टारिका से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, परम भागवत की उपाधि वाकाटक वंश के किस शासक ने धारण की थी? ऑप्शन है ए पृथ्वीसेन प्रथम, बी पृथ्वीसेन द्वितीय, सी सर्वसेन या डी सूर्यसेन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाकाटक वंश के शासक पृथ्वीसेन द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? ऑप्शन है ए आचार्य, बी अर्धवर्यु, सी उपाध्याय, डी पुरोहित। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो वैदिक काल में अपनी आय के लिए बच्चों से फीस लेकर पढ़ाते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौखरी वंश के शासक किस वंश के शासकों के सामंत थे? ऑप्शन है ए मौर्य वंश के, बी चालुक्य वंश के, सी पाल वंश के या डी गुप्त वंश के। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौखरी वंश के शासक गुप्त वंश के शासकों के अधीन सामंत थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौखरी वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए कन्नौज, बी उज्जैन, सी इलाहाबाद या डी कानपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज में थी जो आधुनिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राजवंश के अभिलेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन है ए कुषाण वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश या डी शुंग वंश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य राजवंश के अभिलेख से प्रतीत होता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो आधुनिक नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन है ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में, डी सारनाथ में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान बुद्ध ने आखिरी वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मौखरी वंश पहला शासक कौन था? मौखरी वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है ए ग्रह वर्मा, बी हर्षवर्धन, सी हरि वर्मा, डी अवंती वर्मा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौखरी वंश का प्रथम शासक हरि वर्मा था। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है ए हरि वर्मा, बी सूर्य वर्मा, सी ईशान वर्मा, डी ग्रह वर्मा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौखरी वंश का अंतिम शासक ग्रह वर्मा था जिसकी हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौखरी वंश की मुद्राओं का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ए अयोध्या से, बी इलाहाबाद से, सी कन्नौज से या डी वाराणसी से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौखरी वंश की मुद्राओं का ढेर उत्खननकर्ताओं को अयोध्या से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरि वर्मा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है ए महाधिराज, बी महाराज, सी परम भागवत या डी महासामंत।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखरी वंश के शासक हरिवर्मा ने महाराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हरहा लेख में किसकी प्रशंसा की गई है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी अशोक, सी हरिवर्मा, डी ग्रह वर्मा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाराबंकी से प्राप्त हुए हरहरा लेख में मौखरी वंश के शासक हरिवर्मा की प्रशंसा की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरिवर्मा के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए ग्रह वर्मा था, बी आदित्य वर्मा था, सी हर्ष था, या डी अनादित्य वर्मा था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिवर्मा के पुत्र तथा उत्तराधिकारी का नाम आदित्य वर्मा था। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, आदित्य वर्मा का विवाह किस वंश की राजकुमारी से हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, बी कुषाण वंश, सी पाल वंश, या डी गुप्त वंश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौखी वंश के शासक आदित्य वर्मा का विवाह गुप्त वंश की राजकुमारी हर्षा गुप्त से हुआ था। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन और ये पार्ट 27 था। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ नया भी सीखा होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।